घुटने या शरीर में जो हड्डी है वो जो कमज़ोर होती है उसको भी अगर ठीक करना हो तो ऊटनी का दूध बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। एक अच्छी बात और सामने आई है कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो हार्ट की बीमारी होती है उनमें भी ऊटनी का दूध कोलेस्ट्रॉल कम करने की वजह से और जो फैट हृदयों की धमनी में जब जम जाता है उसको निकालने के लिए ये काम में आता है। और वही फैट अगर आपके लीवर में हो तो लीवर के डिसऑर्डर जैसे जॉन्डिस है या असाइटिस जो पानी पेट में भर जाता है उन बीमारियों में भी ऊटनी का दूध कारगर सिद्ध हो रहा है। तो ये सब कुछ जो प्रयोग यहाँ राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर में स्थित है उसके ऊपर हो रहे हैं और उसके लिए जो लगभग 350 जो ऊँट है इन चारों प्रजातियों का उनका संवर्धन यहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल, इनको पॉपुलैरिटी के हेतु एक तो हमने ये किया है कि ऊँटनी को एक जगह रखते हुए ऊँट की डेयरी भी हमने स्थापित की है जो लगभग 7-8 साल से यहाँ पे कार्यरत है और पब्लिक में इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस लाने के हेतु भी हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि ऊँटनी का दूध उसका सेवन लोग करें और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत अच्छी रखने में जो काम आ सकता है उसकी तरफ ध्यान दें। और भी जैसे चीज़ें हो रही है कि हमारे पास ऊँटनी के दूध से बहुत सारे उत्पाद हम उससे तैयार करते हैं जिससे कि जो कंज्यूमर है वो उसको ज़्यादा प्रेफर करें और उस तरफ हमने देखा है कि ऊँटनी का दूध से जो सुगंधित दूध है वो हम बनाते हैं, पाश्चुराइज दूध हम यहाँ से बेचते हैं। एक बहुत अच्छा हमारा एक प्रयास रहा है कि ऊँटनी के दूध से तैयार की गई कुल्फी वो भी यहाँ जो विदेशी या देशी भी जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए समाधानकारक तरह से ये सामने आ रही है और जिससे कि जो ऊँट पालक है अपनी ऊँटनी से दूध निकालते हुए इस तरह से कोशिश कर सकता है कि जिससे अपनी आमदनी वो बढ़ाए। साथ में ही पनीर है या गुलाब जामुन है या पेड़ा है या लस्सी है ये सब कुछ उत्पाद ऊँटनी के दूध से बन सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम इसको दही बनाने की कोशिश करते हैं तो जो किण्वन प्रक्रिया होती है फर्मेंटेशन जब होता है तो इस ऊँटनी की दूध की महत्ता और बढ़ जाती है और यही कारण रहा है कि जो ऐसे डिसीजेस है कि जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल निकालने की बात है या लीवर को आपको ठीक करने की बात है तो ऐसे पदार्थ का सेवन करते हुए विश्व में ये पाया गया है कि ऐसे उत्पाद अगर वो व्यक्ति ले जिनको इस बीमारी पकड़ी हुई है तो इसमें फायदेकारक हो सकता है। सबसे बड़ी बात अगर ऊँटों को अगर आज के दिन अगर बचाने की होगी तो ऊँटों के अन्य उपयोग हमें ढूंढने पड़ेंगे जैसे कि ऊँट को एक दुधारू पशु के रूप में हमें स्थापित करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था हो जिस तरह से कि ऊँट पालक अच्छे अच्छे ऊँट अपने घर में पाले और उसके ऊँटनी के दूध से जो भी उत्पाद होते हैं उसको भी वो सीख ले और उनकी आमदनी बढ़ाने के आजकल प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर कोई किसान उसकी आमदनी दुगना करने के लिए कोशिश अगर करनी होगी तो ऊँट पालक की अगर आमदनी की बात अगर ऊँट के दूध से अगर बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि कई ज़्यादा फोल्ड उसकी आमदनी बढ़ सकती है बशर्ते उसको एक मार्केटिंग या मार्केट में ले जाने के बाद सुपरमार्केट में इसके दूध की बिका जाए और वहाँ से उसको जिस तरह से बाहर के देशों में जो ऊँटनी का दूध आज 26 से 27 डॉलर प्रति लीटर जो इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है तो कम से कम उस स्थिति में हम लाए हमारे किसानों की ये उत्पाद को जिस तरह से कम 500 से 600 रुपए लीटर के हिसाब से ऊँटनी का दूध बेचा जाए। कोई किसान या इसका डेयरी पालन करें तो मिल्क प्रोडक्शन कितना है और फीड कंटेंट और मार्केट इंडियन जो मार्केट है उसके रेट में क्या? दूध उत्पादन की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जो नस्लें हैं लगभग उनका जो 300 से ऊपर जो दूध देने का अवकाश होता है तो उसमें लगभग 4 से 6 लीटर की ऊँटनी अपने पास है जो प्रतिदिन इतना दूध देती है 2 दिन मिला के। लेकिन कुछ ऐसे भी ऊँटनियाँ हमारे पास है कि जो कि 10-12
किलो रोज का दूध देती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अभी तक उसको दूध का उत्पादन कर उससे कुछ मुनाफा कमा नहीं रहे या उसको मार्केट में नहीं बेच रहे, तो उनकी अगर व्यवस्था के लिए अगर हम सोचें कि अमूल ने जिस तरह से गाय के दूध के लिए एक व्यवस्थापन का एक मॉडल हमारे सामने रखा था जिसमें कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और छोटे छोटे समूह में अगर SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हुए एक सोसाइटी का उसको स्वरूप दे और सोसाइटी फिर उसको मार्केटिंग करके चाहे देश में या ऐसी जगह पे जहाँ इसकी ज़रूरत है ऐसे पेशेंट्स जिनको ये लेने की इच्छा है उनके पास अगर पहुँचा दे तो मुझे पूरी आशा है कि ये दूध जो आज इस क्षेत्र में जहाँ उपलब्ध है बहुत कम मात्रा में बिकता भी है और उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं मिलती, तो उनको बहुत सारा फायदा तब मिल सकता है जब ये अच्छी तरह से मार्केट अभी मिल्क मिल्क में जिस तरह से हमने कोशिश की है 2017 में ही इसको FSSAI का अप्रूवल मिला है और उसके बाद अब ये मार्केटिंग में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज अगर इसका 40 से 50 रुपये लीटर जहाँ पे ऊटनियाँ रखी जाती है वहाँ पे अगर दूध का भाव है तो जयपुर या बड़े शहरों में यही रेट आपको 150 से 200 रुपए लीटर में है, और कुछ ऐसे भी लोग अभी तैयार हुए कि जिन्होंने 600 रुपए लीटर के हिसाब से इस दूध का बेचना चालू कर दिया। लोग देखते हैं कि इसका डेयरी पालन तो करना सोचते हैं लेकिन बड़ा पशु देख के इनकी फीड कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये धारणा ऊँटों का अगर पालन करना हो या ऊँटनियों को पालन करना हो तो ये समझना ज़रूरी है कि इनको खाने में क्या देना चाहिए, इनका आहार क्या होना चाहिए। सामान्यतः ये है कि जंगल में जब चरने के लिए जाती है तो पेड़ पौधे और उसके घास के साथ ही इनका निर्वाह हो सकता है, लेकिन अगर आप अगर घास या ग्वार की फलगट्टी कहते हैं या जो हमारी मूँगफली का जो चारा होता है वो भी अगर इनको अकेले दो या कुछ थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर और कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर के साथ इनको दे दो तो भी वो कम मात्रा में लगता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर इसके वजन के मुताबिक अगर इसकी कंपैरिजन की जाए गाय और भैंसों के हिसाब से तो ये लगभग मीन्स जो गाय और भैंस उसके 3 से 4% भार के मुताबिक खाती है, इस ऊटनी को सबसे कम 1 से 1.5% भार के मुताबिक खाना या आहार देना की ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग जो 600-700 किलो की हमारी जो ऊटनी है उसके लिए 10 से 12 किलो ड्राई मैटर के बेसिस पे इसको अगर हम आहार दे वो पर्याप्त होता है, इसलिए वो लागत भी हमें बड़ी कम आती है। अच्छी ब्रीड के जो ऊँट ऊँटनी है कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, वो किस कीमत में लोग? हमारे यहाँ जो भारत में उपलब्ध जो ऊँटनियाँ हैं वो चारों जो नस्ल जो मैंने बताई बीकानेरी जैसलमेरी या मेवाड़ी या कच्छी ये सभी दूध के लिए उपयुक्त है, और इनका जहाँ जहाँ जैसे 11 जिले जो पश्चिमी राजस्थान के हैं वहाँ पे आपको अच्छी दूध देने वाली उसका जो मिल्क वेन है या जिस तरह से उसकी क्षमता है उसको देखते हुए हम ले सकते हैं। करीब 40 से 50 हज़ार में आज के दिन में अच्छी ऊँटनी मिलने की संभावना है, लेकिन बहुत ही अच्छी अगर ऊँटनी आपको लेनी है तो 70-80 हज़ार में बिल्कुल मिल सकती है, और उस प्रदेश में जहाँ पे इनकी ब्रीडिंग एरियाज है वहाँ से ऊँट पालकों से ये अच्छी ऊँटनियाँ हम ले सकते हैं। साथ ही साथ जब NRC की बात करें कि जो ऊँटों के लिए खास स्थापित नेशनल रिसर्च सेंटर है वहाँ पर भी साल में 1 या 2 बार उसकी नीलामी होती है तब वहाँ से भी कुछ ऊँटनियाँ प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट क्या प्रमोशन के लिए क्या नया इनोवेशन जैसे राजस्थान सरकार कुछ ऐसी स्कीमें ज़रूर ला रहा है कि जिसमें कि ऊँट पालक उसको पालने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित हो सके, जैसे कि गाभन जो ऊँटनियाँ हैं उसको चिन्हित करते हुए जो ब्याएगी तो और उसका बच्चा अगर जिंदा रहता है तो पहले उसको 10,000 अनुदान देने की बात है, और वो जन्म के बाद 3,000 और उसके बाद 6-8 महीने में 3,000 और उसके बाद साल के बाद 4,000 और उसके साथ उसका इंश्योरेंस भी कराती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी स्कीमें अभी राज्य सरकार के पास आ रही है जिससे कि ऊँट पालकों को फायदा पहुँचा सकते। आप किसान भाइयों को क्या सजेशन देना चाहिए?
किसान भाई को हम ये कहना चाहेंगे कि जो पशुपालक जो गाय या भैंस पालने के लिए अपना पूरा समय बिताते हैं, अगर ऐसी व्यवस्था बनती है कि ऊँट भी पालना अगर वो सीख ले, और ऊँटनियाँ खास करके जो दूध के लिए अगर आप लेते हो तो छोटे छोटे समूह बना के उनका जो वितरण है तो वो एक सामूहिक तरह से करें, और इस दूध को थोड़ा बहुत अगर पाश्चराइज कर सकते हो और पैकेट में आप अगर बेच सकते हो तो बड़े शहरों में इसका व्यापार आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। और जो दूध आज अब गाय भैंस के लिए भी 40-50 रुपए लीटर एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, इसी प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकिन जब आप कंज्यूमर के पास ले जा सकते हो तो अच्छी मार्केटिंग की व्यवस्था अगर तैयार हो तो इसी दूध का रेट मैं आज के जो रेट्स है या लोगों की अपनी डिमांड है उस तरह से कम 400 रुपए लीटर के हिसाब से आप बेच सकते हो। बस बात यह है कि उनको अपने समूह में काम करने की अपनी आदत डालनी पड़ेगी और सरकार की तरफ से ऐसे समूहों को रजिस्टर्ड करते हुए इस तरह से व्यापार करना सीखना होगा। क्या रेशो रहता है? 50 रुपये। वो तो आप 100 के लिए एक रखो, वो तो हम बेचते भी, आपको जल्दी आना पड़ेगा। हाँ।